वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखेगा स्क्रीन पे विच क्लियरली स्टेट्स माई चेकिंग अकाउंट ऑफ स्कोशिया बैंक, मेरा ही बैंक अकाउंट है वो। उसमें आपको मेंशन दिखेगा कि ओवर $1,000 आर देयर इन माई अकाउंट जो कि मैंने कमाए हैं। $1,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने ये पैसे एग्जैक्टली 25 आवर्स में, एक दिन एक घंटे में कमाए हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि कनाडा में पैसे नहीं है, उनके लिए ये मुंह पे जवाब है कि भाई पैसे बहुत हैं। रिसेशन का मार्केट है, फिर भी पैसे कमाने वाले अगर बंदे हो तो कमा सकते हो। कैसे वेज में, कैसे मैंने कमाया, कैसे मैंने एक दिन में ऑलमोस्ट 24 आवर्स, राइट, 25 आवर्स 24 आवर्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो एक दिन में मैंने पैसे कैसे कमाया उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड पूरा आपको एक क्लियर कैलकुलेशन, सारे मिथ्स को ब्रेक करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बहुत एक्साइटिंग, बहुत मोटिवेटिंग होने वाला है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। देखो YouTube में बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है, ठीक है। अब लोग मुझे भी बोलते हैं कि भाई तू नेगेटिविटी फैला रहा है, तो डीमोटिवेट कर रहा है। मेरे वीडियोस को जो समझने वाले हैं ना, वो समझ जाते हैं कि भाई ये डीमोटिवेटिंग नहीं है, ये अवेयरिंग है, ठीक है। तो जो उस कैटेगरी में है तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं डीमोटिवेट करके मैं पैसे कमा रहा हूँ डीमोटिवेट करके, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना। मेरा मोटिव यही है कि आप अवेयर होकर प्रिपेयर होकर कनाडा आके जल्दी बिल्ड करो खुद को। हाँ, कि आपको ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन आपको हिट कर दिया, देन आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, देन आपको घर भेजा जा रहा है वापस, या फिर आप खुद जा रहे हो डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ विच इज नॉट नेगेटिव, विच इज अवेयरिंग, ठीक है। जिसको समझना है वो समझ जाएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला इस चीज को, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, दो कैटेगरी ऑफ पब्लिक, दो कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है यहाँ पे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके बोलते हैं कि मत जाओ, वी विल गिव अप, ठीक है। कनाडा में पैसे नहीं है, कनाडा में रिसेशन चल रहा है, कनाडा में जॉब नहीं है, 2023 साल ही खराब है, कोविड के बाद सब कुछ बिगड़ गया। सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, एक्शंस नहीं लेते हैं, घर में बैठ के ट्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो बोलते हैं कि fuck it, whatever it takes, सिचुएशन ये है, मेरे स्किल्स ये है, दोनों को मिला के मैं खुद को एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलप करूंगा, लाइक खुद को एक ऐसा पर्सन बनाऊंगा जो कि कनाडा जाके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कर ले, इवन इन द रिसेशन मार्केट, बिकॉज मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है, बाकी लोग भी यहाँ है, नथिंग टू ब्रैग, बट मैंने जो पैसे कमाए हैं, बहुत कम लोग एक दिन में इस $1,000 कमा पाते हैं बींग अ स्टूडेंट हियर इन कनाडा, जो कि बस एक साल पहले ही आया है, ओके। सो इट्स अ बिग थिंग, बट ये मेहनत से नहीं होता है, ये थोड़ा स्किल है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा नॉलेज है, सब कुछ मिला के आप एक ऐसे जोन में आ जाते हो जब आपको ये बिलीव हो जाता है कि हाँ $1,000, ओके, आई नो द अमाउंट, आई नो द स्किल्स, आई नो द वे आउट, आपको क्या करना है वो पता है, आपको क्या चाहिए वो पता है, दोनों को मिला के आप एक्शन लेते हो, आपका वो आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है, वो फुलफिल हो जाता है। सबसे पहले ये चीज देखो, ये जो पैसे कमाने का गेम है ना, वो पूरा माइंडसेट गेम। सबसे पहले हमारा माइंडसेट ही गलत होता है। हमारे मम्मी पापा हमें ये कभी नहीं बोलते कि भाई बेटा बेटी तू अपने नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के, अपने स्कूल के पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम निकाल के, अपने आयल्स के पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम निकाल के, फालतू की चीजों से थोड़ा सा टाइम हटा के दिन का 2-3 घंटा एक स्किल पे दे, उस स्किल को मास्टर करें, उसी स्किल को कनाडा जाके इम्प्लीमेंट करके मार्केट में उससे पैसे कमा। तो हमारा माइंड सेट ही गलत होता है। हम आते ही रेफरेंस लेके दोस्तों के, हमारे दोस्त भी वही गधे के रेस में भाग रहे हैं, तो हम दोस्तों के रेफरेंस लेके वही लेबर जॉब, जनरल लेबर में लग जाते हैं, उसमें ना कोई फ्यूचर है, बॉडी भी खराब होती है, फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे आप डिप्रेशन एंग्शियस होते रहते हो। एक्साइटेड हो जाओ, बिकॉज पूरा स्टार्ट शेयर करूंगा कैसे कैसे मैंने कमाया है। तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, अपने होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मत बढ़ा लेना, बिकॉज बहुत सारे माइन्यूट फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं। सारा कुछ कंबाइन होकर मुझे ये सम अप मिला है विद इन 25 आवर्स, ठीक है। तो द थिंग इज कि मैंने ये पैसे ऊबर ईट से कमाए हैं। ऊबर का ही सब्सिडी है ऊबर ईट। यूजुअली आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएगा जहां पे वो लोग बोलते हैं कि ऊबर ईट में आप $25 पर आर कमा सकते हो, मैक्सिमम $25-$27 तक आपकी इनकम हो जाती है, विच इज गुड, विच इज नॉट बैड, ठीक है। 2 घंटे में $50, 4 घंटे में $100, ठीक है। बट 4 घंटे में अगर 100 होता है, 8 घंटे में आप 200 ही कमा पाओगे, 205 दिन लग जाएंगे आपको $1,000 कमाने में, ठीक है। बट मैंने एक दिन में कैसे कमा लिया, मतलब मेरा जो घंटे का इनकम था वो ज्यादा था। सेकंड ऑफ ऑल, ओवरइट्स का लोकेशन मैंने बहुत अच्छा चूज किया था। ओवरइट्स में आपको 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, योर स्टडी परमिट, नंबर 2, 1 कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस, बिकॉज अगर आपको पैदल करना है दिस अमाउंट इज नॉट रियली पॉसिबल, अगर आपको साइकिल में करना है दिस अमाउंट इज नॉट रियली पॉसिबल, यू हैव टू हैव अ कार। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है कनाडा में, यू कैन रेंट अ कार एनीवेयर टू डू ऊबर ईट्स, ठीक है। कार को थोड़ा कार कंपनी को थोड़ा कमीशन देना पड़ता है, एंड यू कैन यूज देयर कार, आप अपना गैस डलवा के ऊबर ईट्स में पैसे कमा सकते हो। गाइस आप टेक्निकल चीजें समझाऊंगा, समझो ऊबर ईट्स के ऐप में ना गाइस आपको अपॉर्चुनिटीज बोल के एक ऑप्शन आता है, उसमें जब आप क्लिक करोगे हर एक लोकेशन का ये दिखाएगा कि उस लोकेशन में
कितनी ज्यादा डिमांड है फूड डिलीवरीज की, ठीक है, फूड ऑर्डर्स की, कितने ज्यादा लोग वहां पे ऑर्डर कर रहे हैं। यूजुअली जीटी एरिया में ब्रैम्पटन, मिसिसागा, नॉर्थ यॉर्क, इटोबिको एंड टोरंटो, स्कारब्रो, मार्कम, ठीक है, ये सारे लोकेशन में सबसे ज्यादा होता है टोरंटो में, किंग स्ट्रीट के आसपास, ठीक है, जो मेन डाउनटाउन, डंडास यंग, यंग एंड डंडास हो गया, फिर बैथर्स्ट स्ट्रीट हो गया, ठीक है, ये सारे लोकेशन है जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती है, आपको दिख जाएगी जब आप ओवरब्रिज करोगे, ठीक है, इन कार। ओके, साइकिल में भी सेम ही है, अपॉर्चुनिटी सेम ही रहती है, इफ यू आर डूइंग वॉकिंग, इफ यू आर डूइंग साइकिल, इफ यू आर डूइंग इन कार, एवरीथिंग इज सेम एज पर अपॉर्चुनिटीज इज कंसर्न्ड। जहां पे हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी थी 3.9x था टोरंटो में, ठीक है, मैं वहां पे गया, ब्रैम्पटन में था 1.7x, बाकी जगह पे लाइक एक डेढ़ से ढाई तक ही था, बट टोरंटो में ऑलमोस्ट 4x था गाइज, 3.9x था, तो मैं वहां पे गया एंड आई स्टार्टेड माई ओवर इट्स इन टोरंटो। गाइज, अब जो सेकंड फैक्टर है जो कि मेरे इनकम को बूस्ट कर रही थी, विच इज द टाइम आई स्टार्टेड माई शिफ्ट। अब मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, ये जो 25 घंटे है ना, ये एक दिन में मैंने नहीं कमाया लगातार, लाइक पूरा 24 घंटे कंसेक्यूटिव आवर्स में नहीं किया, इसको मैंने 3 दिन में डिवाइड किया था, ठीक है, बिकॉज इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू वर्क 25 आवर्स एट अ स्ट्रेच, बिकॉज गाड़ी भी इंजन है भाई, उसको भी रेस्ट चाहिए, मुझे भी रेस्ट चाहिए, आई नीड स्लीप, आई नीड फूड, ठीक है, तो मैंने इसको 3 दिन में डिवाइड किया, ठीक है, 8 घंटे की शिफ्ट में, तो एग्जैक्टली 8 नहीं, कभी 7 हो गया, कभी 9 हो गया, कभी 10 हो गया, बट 3 दिन में मैंने डिवाइड किया। मैं सारा स्टैट्स आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगा इफ यू वॉन्ट। तो द थिंग इज, जो मेरा पहले दिन का इनकम था, मैंने अपनी शिफ्ट स्टार्ट की थी अराउंड 8:30, मैं डायरेक्टली गया था टोरंटो में, ठीक है, मैं एक ऐसा बंदा नहीं था जो उबर इट्स पहली बार कर रहा है, मुझे एक्सपीरियंस था कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम होती है, कहाँ पे ऑर्डर सबसे ज्यादा आते हैं, कहाँ पे टिप्स सबसे ज्यादा आते हैं, विच इज टोरंटो, राइट। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ब्रैम्पटन में ट्राई करना चाहते हो कर लो, बट कोई फायदा नहीं है, मिसिसागा में ट्राई करना चाहते हो कर लो, कोई फायदा नहीं है, कहीं भी ट्राई कर लो, नॉर्थ यॉर्क दैट टू इन एग्लिंटन एवेन्यू, अगर आप यहाँ पे हो नॉर्थ यॉर्क में भी अगर करना है एग्लिंटन एवेन्यू के आसपास करना, इटोबिको में करना है आइलिंगटन एवेन्यू के आसपास करना, एंड टोरंटो में करना तो यंग एंड डंडास के आसपास करना, ठीक है, दीज आर द, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जहां पे है वहां पे है, फालतू का मुंह मार के फायदा नहीं, जहां पे पैसे मिलेंगे वहीं पे जाओ, ठीक है। मैंने 8 घंटे लगाया एंड आई अर्न $278 ऑन माई डे 1, विच इज रियली नॉट अ बिग डील, ठीक है, 250 के आसपास हो जाता है इनकम अगर आप सही से कर रहे हो, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स पिक कर रहे हो। अगले दिन मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पे जो सीख है, यहाँ पे जो लेसन है, आपको रात में अगर आप रात पे जा रहे हो, लाइक ओवरनाइट उबर इट्स कर रहे हो, आपकी इनकम ज्यादा होगी, एंड ओवरनाइट सबसे ज्यादा जो बेनिफिट आपको मिलता है टोरंटो में, कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो आप जल्दी डिलीवरी करके दूसरा ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत फास्ट डिलीवरीज की, बिकॉज रास्ता पूरा खाली था, ओवरनाइट रात के 2 बजे 1 बजे पूरा खाली होता है टोरंटो, बिकॉज सबको काम पे जाना होता है। कमिंग टू डे 2, विच वॉज रिस्की फॉर मी, बिकॉज मेरे पास 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं था, मैं बताऊंगा क्यों, बिकॉज यार ये जो पैसे है ना, ये मुझे कॉलेज को देने थे, रजिस्ट्रेशन फीस मेरा $1000 है, तो मेरे पास वो पैसे थे नहीं, एंड मैंने इंडिया से नहीं मंगवाया था, तो आई हैव टू, ये लाइक अर्जेंटली मुझे इनकम करने थे 3 दिन में, नहीं तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, मुझे 4 महीने विदाउट एनी स्टडीज बैठना पड़ता, जो मेरा अनऑफिशियल ड्रॉप हो जाता, एंड मुझे वर्क पॉइंट पे बहुत इशू होती, तो आई हैड लाइक दिस बाउंड्री कि करना है या तो मरना है, ठीक है, इतनी ज्यादा रिस्की था, तो आई स्टिल टुक दैट बेट, मैं दिन में चला गया टोरंटो, सेम लोकेशन, सब कुछ सेम था, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम थी, मे बी 2.7x था, बिकॉज दिन में थोड़ा कम होता है यूजुअली, बट रात को ज्यादा होती है, बट मुझे था कि चलो एक दिन कम हुआ तो अगले दिन थर्ड डे में मैं खींच दूंगा काम, दिन रात दोनों में दोनों कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर कम हुआ पैसे, बट डे 2 में लकीली, पता नहीं गॉड सपोर्टेड मी, व्हाट सपोर्टेड मी, लकीली जो सारे ऑर्डर्स मिले थे मैंने दिन में, शायद एट द एंड ऑफ द डे आई स्टार्टेड एट अराउंड 2, ठीक है, 2 से मैंने 10 बजे तक किया, 8 घंटे की शिफ्ट लगाई, प्रॉपर शिफ्ट, ठीक है, 2 बजे मैं पहुंच गया था टोरंटो, एंड आई मेड $324 ऑन डे 2, ठीक है, 324 एंड 278, 280 पकड़ लो होल नंबर, दिन में हर एक ऑर्डर जो मैंने किया उस दिन, इट वॉज ओवर $20, ठीक है, द हाईएस्ट ऑर्डर विच आई डिड वॉज $37, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऑर्डर ड्रेक के घर दे आया था मैं, ड्रेक के घर, आई हैव ऑल द प्रूफ टू शो यू, बट इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा बता के, ठीक है, अगर वो स्टोरी जानना, मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, स्टोरी बना दूंगा, शॉर्ट में कुछ बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, बट वो ऑर्डर $37 का ऑर्डर था विथ टिप, वो ड्रेक के घर में गया था मैं देने, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हिज मैंशन, ओ माय गॉड, ठीक है, बट दैट मेड मी इवन मोटिवेटेड, ठीक है भाई, ड्रेक अगर सेम लैंड पे रह के सेम यहाँ का सेम ऑक्सीजन वो ले रहा है, कनाडा का खाना खा रहा है, मेरे घर से बस आधे घंटे का ड्राइव है उसके घर, तो सब कुछ सेम है, तो इफ ड्रेक कैन डू इट, व्हाई कांट आई, आई नो ही इज अ सिंगर, इज अ रैपर, आई कांट रैप, आई कांट सिंग, राइट, बट आई कैन डू बिजनेस, राइट, आई कैन डू व्हाट आई एम गुड एट,
कमिंग टू डे थ्री में गाइज मैंने फिर रात में किया, रात में आई मेड ऑलमोस्ट $400, ठीक है, लाइक 398 था, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, $398 मैंने बनाया, तो टोटल मेरा 1000 something $1010 तक बन गया था। मैं 11:30 से लेकर 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, हाँ मैं 7:30 को घर पहुंचा था ब्रैम्पटन एंड आई स्लेप्ट एट 8:30 आफ्टर कॉलिंग माई मॉम एंड डैड, बिकॉज मेरा टारगेट भी फुलफिल हो गया था एंड वो पैसे बहुत ज्यादा जरूरी थे कॉलेज को देने, तो जो मैंने सबमिट कर दिया, माई रजिस्ट्रेशन वॉज सक्सेसफुली डन एंड आई सेव्ड माईसेल्फ वन सेकंड ईयर इन कनाडा विद नो फेवर्स, नो हैंडआउट्स, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आई वर्क्ड माय ऐस ऑफ एंड आई डिड दैट शिट, I got that shit. तो अभी उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ भाई, जो नेगेटिव वीडियोस आप देखते हो उनको देखो, वो अच्छी बात होती है, उनको इग्नोर मत करो, ये हेट कमेंट्स भी मत डालो कि भाई तो नेगेटिविटी फैला रहा है, मुझे तो मत करो, बिकॉज मेरे इंटेंशंस हमेशा ये रहते हैं कि भाई आपको रियलिटी पहले ही बता दो, कुछ भी होता है कैनेडा में, छोटा मोटा कुछ भी होता है, मैं वीडियो फटाक से बना देता हूँ ग्राउंड रियलिटी डाल के कि भाई ये चीज हो रहा है, तू प्रिपेयर हो जा भाई, ठीक है, यहाँ के मेरी तरह धक्के मत खा, मैं मेरे को जो डेढ़ साल में नई गाड़ी ली है, डेढ़ साल में ऐसे मुकाम पे आया हूँ कि मैं एक दिन में $1000 कमा सकता हूँ, नाउ आई नो, बिकॉज मैंने 3 दिन में 8-8 घंटे के शिफ्ट लगा के अगर मैंने 1000 कमा लिया तो मैं ये 2 दिन में भी कर सकता हूँ, 800 बन जाएंगे बट 2 दिन में बन जाएंगे ना, तो आई नो इफ आई नीड सम इमरजेंसी मनी, इफ आई नीड टू अर्न मनी, ठीक है, तो मैं कमा सकता हूँ, मेरे पास वो स्किल, वो एक्सपीरियंस, वो माइंडसेट है, नाउ आई नो, बिकॉज मैंने एक बार ऑलरेडी वो प्रूव कर दिया खुद को, तो दूसरी बार भी कर लूंगा, तीसरी बार भी कर लूंगा, ज्यादा पैसे भी कर लूंगा, ठीक है, तो मुझे ये 1.5 साल लग गए भाई इस जगह पे पहुंचने के लिए, तो तेरे को ऐसे बता रहा हूं भाई की तरह बता रहा हूं, इसलिए तुझे तेरे को यूज कर रहा हूं, तो भाई अगर तुझे जल्दी जल्दी करना है, ठीक है बहन, अगर तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, देन यू हैव टू नो द ग्राउंड रियलिटी, कनाडा में मार्केट क्या, इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, तो सब कुछ नहीं जानोगे, नेगेटिव चीजें नहीं अब्सॉर्ब करोगे, तो कैसे आप उस चीज को फिगर आउट करके एक वे आउट बना के आप अचीव करोगे चीजों को, अगर सब कुछ अच्छा होता है लाइफ में, देन भाई यार भगवान को भगवान से मांगोगे क्या, अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको, बुरी चीजें होती है तब ना भगवान को थोड़ा वर्शिप करते हो, तब ना भगवान को वैल्यू, मुझे सबका पता है भाई, हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमें दिक्कत होती है, तो दिक्कतें आते रहे, ब्लेसिंग्स भी मिलती रहे साथ में, भगवान को भी याद करो, वो साथ है भाई, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चल रहे आपका भगवान, एंड सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, शाहरुख खान ने भी बोला है भाई, जस्ट होल्ड ऑन टू थिंग, जब सब कुछ गलत चल रहा है, जब लगेगा कि भाई मैं खत्म होने वाला हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, बस घर बैठ जाओ, स्ट्रेस एकदम पीक पे, एंग्जाइटी पीक पे, डिप्रेशन पीक पे, कोई दोस्त नहीं है, सबने बैक बिच कर दिया, सबने धोखा दे दिया, अकेले घर में बैठ के एक रूम में आप रो रहे हो, बस होल्ड ऑन करना, खुद को बोलना कि भाई बस ये जमीन, ये प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाना, ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, बस पकड़ के बैठ जाओ, वो दिन आएगा भाई ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से ढलेंगे, आपके फेवर में ढलेंगे, सब कुछ ऑन टाइम हो जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम हुआ, मैंने पैसे पे कर दिए, मुझे सारे मेरे फेवरेट कोर्सेज भी मिल गए, एंड आई एम ऑल सेट टू स्टडी अगेन हियर इन कनाडा, तो सब कुछ हो गया सिंक, भगवान सब कुछ कर देता है, बस भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, ऐसा भी नहीं है कि भाई पैसे ऐसे ही आ जाएंगे, घर बैठ के अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे कि भाई मुझे कैसे कैसे इस चीज को अचीव करना है, स्ट्रेस में भी आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो सक्सेस तभी मिलता है जब आप स्ट्रेस को इजिली हैंडल कर पाओगे, स्ट्रेस को टैकल कर पाओगे, अगर आप स्ट्रेस नहीं ले पाते आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी लाइफ में, कनाडा में तो बहुत मुश्किल है अगर आप स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते हो, ठीक है, एंड वन मोर थिंग यू शुड नो इज जो ये मोटिवेशन करते रहते हो ना, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जिंदगी में, मोटिवेशन कोई कोई बंदे सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कोई कोई बंदे पुश स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो पुश स्टार्ट होते हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, सेल्फ स्टार्ट वाले सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो मोटिवेशन कुछ खास काम नहीं करती लाइफ में, इनिशियली एक दो कदम आगे धकेल देती है, उसके बाद दो चीजें काम आती है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विद प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, आप मेहनत करो प्रॉपर डायरेक्शन में करो, विद डिसिप्लिन करो, विद कंसिस्टेंसी करो, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप उघाड़ नहीं सकते, ठीक है।